गाइस कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट हाउ टू कैलकुलेट अकोस्टिक। तो जैसे कि मेरा प्लेनियम बॉक्स है, इसका साइज है 16 × 12 250 100। इसका साइज है यानी कि 250 100 इसकी लेंथ है एंड 1200 जो है इसकी हाइट है एंड 1600 इसकी क्या है विड्थ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम एकोस्टिक का जो एकोस्टिक किस तरह करते हैं, मतलब उसका हाउ टू कैलकुलेट अकोस्टिक सीट, और इसमें कितनी हमारी सीट लगेगी और कितना हमारा इसके अंदर। ये हमारा साइज 1225, तो इसमें मतलब कितनी जाली लगेगी और कितना टिश्यू पेपर लगेगा एंड फाइबर ग्लास कितना लगेगा, उस सी चैनल और सी चैनल कितने लगेंगे, सी चैनल को हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे और उस सी चैनल के अंदर मतलब उसका जो है ठीक साइज कितना होगा वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो जैसे कि हमारा साइज है इसकी 1200 जो इसकी हाइट है और 25 इसकी लेंथ है। तो मैं जैसे कि ये मेरा प्लेनियम बॉक्स है 3D में है, तो मैं इसका एक साइज ले लेता हूँ, यानी कि मैं इसका कौन सा साइज, यानी कि मुझे इसका ये साइज, ये इस साइज में मुझे कॉस्टिंग करनी है इसकी एक एक पार्ट में। तो मैं अभी इस एक पार्ट में कॉस्टिंग करने के लिए मैं इसका एक पार्ट उठा लेता हूँ। जैसे कि मैंने इसका एक पार्ट उठा लिया है, ये 25 जो है मेरी ये लेंथ है और ये हाइट है, तो मैंने इसका एक पार्ट उठाया है। तो अब मैं इस पार्ट में किस तरह इसका एरिया कैलकुलेट करूँगा कॉस्टिंग का, तो मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना होगा सी चैनल का एंड फाइबर ग्लास का, टिश्यू पेपर का एंड जाली का। तो मैं आपको बताता हूँ मुझे इसके कितने पार्ट करने होंगे, कैसे कैसे मुझे यहाँ पर सी चैनल लगाना होगा एंड इसका एरिया किस तरह कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि ये साइज है 2500 एंड 1200 एंड यहाँ पर जो ये, तो यहाँ पर अब मुझे क्या है सी चैनल जो है मेरा 25 × 25 एंड 25, यानी कि जैसे कि ये यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक सी चैनल यहाँ पर लगाया है इस प्लेन है, इस साइड प्लेन बॉक्स की साइड में एक चैनल यहाँ पर लगाया है और एक यहाँ पर लगाया है और यहाँ पर लगाया है। तो ये किस तरह लगाया है आप इस वीडियो में देख सकते हो प्रैक्टिकली, जिस तरह मैंने इसी चैनल लगाया है इसी तरह आप भी लगा सकते हो। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, 1200 और 1200 के मुझे टू पार्ट करने होंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 600 यहाँ पर हो जाएगा और 600 यहाँ पर हो जाएगा एंड और ये इसका जैसे 25 है, 2500 है, तो ये 25 यहाँ पर है, 25 है, तो यहाँ पर कितना बचा, 24 है, तो यहाँ पर कितना हुआ है 24 मेरा यहाँ पर बचा है। तो अब मैं 24 के कितने पार्ट करूँगा, यानी कि 6 6 में एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, यानी कि यहाँ पर कितने पार्ट हो जाएंगे मेरे, 3 पार्ट हो जाएंगे। जैसे कि 1200 तो मैं 1200 6 पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और यहाँ पर 24 को मुझे मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर दूँगा, जैसे कि ये है, तो यहाँ पर एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी है। तो अभी मेरे कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट बन गए। तो अब जैसे कि आप प्रैक्टिकली देख सकते हो ये एट पार्ट किस तरह बने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सी चैनल यहाँ पर लगाया और एक सी चैनल यहाँ पर लगाया और एक ये लगाया और एक लगाया, तो इसे पार्ट में बन गया। तो अब यहाँ पर मैं क्या लगा हुआ, फाइबर गिलास लगाने हैं यहाँ पर मुझे, इसमें भी मैं फाइबर गिलास लगा दूंगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और फिर इसके ऊपर मैं टिश्यू पेपर भरूंगा, फिर जाली लगा करके यहाँ पर क्या हो जाएगी, एकोस्टिंग हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने एक पार्ट के लिए यहाँ पर एकोस्टिंग करी है, ऐसे ही हम सारे पार्ट के लिए इसी तरह एकोस्टिंग करेंगे और इसी तरह जो है इसका साइज कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे कि ये यहाँ पर एक सी चैनल बना है, जैसे इसकी यहाँ से 25 लेंथ है, यहाँ पर भी 25 हो, यहाँ पर भी 25 हो, जैसे आप प्रैक्टिकली देख सकते हो इस सी चैनल किस तरह होता है। हाउ टू कैलकुलेट सी चैनल, तो हमें सी चैनल किस तरह बनाना है, किस तरह कैलकुलेट करना है। जैसे कि हमारी सीट मार्केट में जो आती है 2400 × 1200 की सीट हमारी मार्केट में आती है इस साइज की। तो अब मेरा जो सी चैनल रहेगा उसकी जो लेंथ रहेगी ये 25 × 25 × 25, तो टोटल कितना हो गया 75 एंड 1200 × 75, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 16। तो
16 पीसेस जो है मेरे एक सीट में मेरे कितने पीस बन जाएंगे, 16 पीस बन जाएंगे। और हमारे कितने पीस लगे हैं उसमें प्लेन बॉक्स में, वो मैं अभी दिखाता हूँ। ये हमारे पीस लगे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे टोटल कितने पीस लगे हैं इस सीट को बनाने में, 8 पीस लगे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम पीस किस तरह कैलकुलेट करते हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो मार्केट में सीट मिलती है उससे पीस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उनका एरिया किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं HVAC की इसी तरह वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए फ्री।